मौजूद हैं, लेकिन अब स्वागत करते हैं लोधी राकेश राजपूत हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए लोधी जी, इस ढोल धमाके के साथ आप काफी बूस्टअप तो हो ही गए होंगे, लेकिन जो अभी नतीजे नजर आ रहे, रुझान नजर आ रहे हैं कि एनडीए 36 पर, इंडिया 43 पर, उससे भी आप बूस्टअप हुए होंगे, आपके पास लौटेंगे, लेकिन वक्त हो गया है। बिजनौर के आंकड़े पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं, एक एक तस्वीर आपको हम बताएंगे, मिर्जापुर का आंकड़ा बताएंगे, लेकिन फिलहाल बिजनौर की तस्वीर और मेरठ की तस्वीर भी आपके सामने है, ग्राफिक्स दिखाइए और अपने दर्शकों को बता दें कि राजेंद्र अग्रवाल वहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, टिकट बदला गया और बिजनौर में पलटा पासा, आरएलडी के चंदन चौहान पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। बिजनौर से एसपी के दीपक सैनी वहां पर 730 वोट से आगे हो गए हैं, यानी कि लगातार उलटफेर का सिलसिला यहां पर जारी है। ये देखिए आरएलडी के चंदन चौहान भी पीछे चल रहे हैं, एसपी के दीपक सैनी 730 वोटों से आगे चल रहे हैं, बिजनौर में भी पासा पलटता नजर आ रहा है। तमाम गेस्ट का रुख करेंगे, लोधी जी सबसे पहले इसी पर रिएक्शन दे दीजिए, कैसा लग रहा है आपको? इसमें तो कोई दो मत नहीं है, ये जनता की जीत है। आप सब देख रहे हैं कि बहुत काफ़ी वक्त से किसान परेशान था, महिलाएं परेशान थी, बेरोजगार नौजवान परेशान था, और ये जीत एक दो लाइन में कहूं कि वक्त गूंगा नहीं बस मौन था, और वक्त आने पर बता देगा किसका कौन था, ये वक्त जनता 543 लोकसभा सीटों का ने बता दिया है कि ये आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय अभी आगे चल रहे हैं लोधी जी, ये अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी रुझानों में आगे हैं। हाँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब स्टार्टिंग ये आने वाले टाइम पे बदलेगा नहीं पासा, नहीं बदलेगा, और आगे जाके हमारी और जीत बहुमत से होगी, इसमें देखते जाइए, शाम को आपको रिजल्ट और अच्छे दिखेंगे। राकेश जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में दो लड़कों की जोड़ी, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, वो उस जोड़ी ने अपने आप को ग्राउंड पर प्रूफ तो कर दिया है, अगर इतने नंबर्स आ रहे हैं तो। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है, आप देख ही रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इनके खिलाफ एक जन आक्रोश था, जो आज जमीन पे दिख रहा है, रुझानों में दिख रहा है, और दो दिन पहले जो दिख रहा था वो सब भ्रमित करने का तरीका था। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को भी कहा कि आप इन पे चमत पड़िए, आप अपनी मेहनत जो की है उस पर विश्वास करिए, और आप जब पोलिंग बूथ पर जाएंगे, काउंटिंग होगी, तब वो रिजल्ट अलग ही हैं जो आपके सामने हैं, और शाम तक और तस्वीर साफ हो जाएगी, थोड़ा सा और वेट करने की जरूरत है। तो क्या लग रहा है आपको, जो जो स्कोर अभी चल रहा है, एनडीए 35 पे है, इंडिया अलायंस 44 पे है, इससे भी फिगर कुछ और बदल सकती है? इसमें कोई दो मत नहीं है, और आगे बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, आप काफी कॉन्फिडेंट है, सौरभ जी भी कुछ कहना चाहेंगे, उनको भी डिबेट में लाना चाहेंगे। सौरभ जी, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की कुछ बातें हैं, अंदरूनी बातें हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो शीर्ष नेतृत्व तो पूरा चुनाव में लगा था, राज्य का नेतृत्व भी लगा था, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें समाजवादी पार्टी का कोई बहुत ज्यादा श्रेय नहीं है उनके कार्यकर्ताओं का। हाँ। जो ये सीटें आकलन दिखा रहा है यहाँ पर, यहाँ से आपको लगता है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन से लेकर के, कास्ट फैक्टर से लेकर के, मोदी योगी की ग्राउंड वेव को लेकर के, इन सारी चीजों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल फाइट थी, क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनी है? देखिए, इंटरनल फाइट तो है ही समस्या एक, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ सांसद हैं जो रिपीट हुए, उनका अपना व्यक्तिगत व्यवहार जनता के बीच में क्या रहा, कैसे रहा, कि पूरा श्री अखिलेश यादव को नहीं मिलना चाहिए, और अखिलेश यादव का इसमें खास क्या रोल है? लोधी जी, आप भी ये मानते हैं कि क्योंकि इंडिया अलायंस के लीडर के तौर पर अगर देखा जाए, राहुल गांधी सामने आते हैं, क्यों इसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी क्यों नहीं आते? नहीं, हम देख रहे हैं तस्वीरें, कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूती के साथ, आप अमेठी का हाल देख लीजिए, आप सौरभ जी भी कह रहे हैं कि आपने ऐसा क्या कमाल कर दिया उत्तर प्रदेश में, ये कमाल तो दिख रहा है ना, जो कमाल किया है वो आपके सामने है, तो अखिलेश यादव प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? ये भी अभी सीटें में तब्दील नहीं हुआ, बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ, बड़ी खबर, लल्लू सिंह 11,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं जी, इसमें कोई दो मत नहीं है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ये रुझान जो आ रहे हैं, ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, चलिए मेहनत का नतीजा तो है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी ने स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी तैयार की, आप बीएसपी को अपने पाले में नहीं ला पाए, उसके बाद भी आपने भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड पर कड़ी टक्कर दी, जिसका रिजल्ट के खिलाफ या जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फायदा आपको मिला, वनस्पत आपकी अपनी मेहनत के, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप ये जो देख रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं, इस पे जमीन पे हम लोगों ने मेहनत की है,
और जन आक्रोश था, इसमें कहने में कोई दो हर्ज नहीं है। और इन्हें भी मानना चाहिए कि जब जनता आक्रोश दिखा रही थी और ये लोग अपने एरोगेंसी दिखा रहे थे, इतने हिटलर शाही थे, और जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया पीडीए का, पीडीए के नारे से जन जन जब जागरूक हुआ और उन्होंने ये देखा कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, किसान के साथ क्या हुआ इलेक्शन में इन 10 सालों में आपने देखा, महिलाओं के साथ क्या हुआ, ये सब जब इकट्ठे हो गए मुद्दे, तब ये इकट्ठे होकर आपके सामने ये जो रुझान है, ये सब उनकी वेदना है। और इससे भी अच्छे रुझान आने वाले हैं, आप देखते जाइए जो बढ़ते जाएगा। कौन कौन सी सीटें आपको लगता है, स्पेशली अगर एसपी की बात करें, कौन कौन सी सीटें आप देखते हैं, कितनी सीटें देखते हैं आप अपने पाले में? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारी 80 की 80 सीटें आप देखेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी शुरू से कहते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रुझान है। और बड़ी खबर इस वक्त, राहुल गांधी रायबरेली से 255,698 वोटों से आगे, ये बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी यहाँ पर देखिए रायबरेली के दंगल में, यानी कि कांग्रेस ने जो प्रयोग किया, इमरान मसूद सहारनपुर से 95,285 वोटों से आगे। और बड़े लीडर्स की तरफ से बार बार बोला गया दो लड़कों की जोड़ी फ्लॉप इस बार भी साबित होगी, इन तस्वीरों को देखकर अब आप क्या कहेंगे? देखिए, इन तस्वीरों से क्या आपको प्रमाण होता है सीधा, आप देखते हैं कि मैं खुद चंदौली में रहा, बनारस में रहा, बदायूं में रहा, मैं मैनपुरी गया, मैं साझापुर गया, मैं फिरोजाबाद गया, तमाम ऐसी लोकसभा सीटों पर गया जहाँ पे जन आक्रोश था, और जहाँ पीडीए की बातें करके लोग जन, जो मैं गांव-गांव घूमा तो उन सब का एक ही बात कहना था कि जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार अपनी स्पीच में कहते थे कि ये देखिए आप। और बड़ी खबर, कांग्रेस के इमरान मसूद में रोक रहा हूँ, रखा है एक उत्तर प्रदेश में, तो आप कह रहे थे 80 में से 80, और यहाँ पर तो सेंधमारी कुछ ज्यादा हो गई है। और आप जरा मुस्कुरा भी दीजिए। नहीं नहीं, देखिए हम तो मुस्कुराते ही रहेंगे। निश्चित रूप से जो नतीजे हैं वो हमारे आकलन के, हमारे अनुमान के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। और ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस पर निश्चित रूप से पार्टी गंभीर जो है विश्लेषण करेगी, एक एक चीज की समीक्षा करेगी। और ऐसे है, और राकेश राजपूत जी भी है और साथ सौरभ दुबे जी भी है। आनंद जी, मैं एक सवाल सीधा पूछ रहा हूं, आखिर ये परिस्थितियां क्यों खड़ी हुई, क्या आप स्थितियों को नहीं भाप पाए, क्या कैंडिडेट्स का जो व्यक्तिगत विरोध था या जनता की जो नाराजगी थी, उन सारी चीजों को भापने के बाद भी आपने एक बार कैंडिडेट रिपीट किए जिसके चलते जनता ने उनको नकार दिया, क्या कारण आपको लग रहा है? देखिए, कुल मिला के ये कि क्या ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा भुगतना पड़ा है, सीधा सा सवाल। नहीं देखिए, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था और ना ही किसी तरह की कोई दिक्कत है। हाँ, निश्चित रूप से अगर परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है, लेकिन वो कमी कौन सी है वो लोधी साहब गिनवा देंगे। लोधी साहब, आपको भी ले आते हैं डिबेट में। जी जी, इसमें कोई दो मत नहीं, इनका अहंकार। बड़ी खबर आगे, डिंपल यादव से रोकेंगे आप आपको। एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है, डिंपल कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही है लोधी साहब, नहीं इसमें कोई दो मत नहीं, हम लोग जीतेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें यार। जो बदायूं सीट है उसमें जो समीकरण है वो हमारे फेवर में, वो भी हमारी समाजवादी